तारीख थी 9 मार्च 2023। सुबह के बज रहे थे 8:30। अहमदाबाद का एनएमएस यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरीके से सज चुका था। क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला था। 1 लाख के करीब दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे और सबको बेसब्री से इंतजार था मैच का, और इससे कहीं ज्यादा देश के प्रधानमंत्री का, जो इस मुकाबले का मुख्य आकर्षण थे। क्योंकि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ इस मैच के जरिए दोनों देशों की 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने वाले थे। ऐसे में तय समय पर प्रधानमंत्री का काफिला पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अहमदाबाद के मोटेरा पहुंचा। उसके बाद दोनों देश के प्रधानमंत्री अपने अपने देश के खिलाड़ियों से मिले, राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। इसके बाद खास रथ पर बैठकर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज को मैदान में चक्कर लगवाए। लगभग 1 लाख दर्शक का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन इस बीच पीएम मोदी की निगाहें एक ही शख्सियत को मिस कर रही थी, क्योंकि उनके जाने के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे थे। जी हाँ, इससे पहले तो गुजरात के हजारों दौरे पीएम मोदी ने किए थे, लेकिन ये पहली मर्तबा था जब पीएम मोदी गुजरात पहुंचे और मां नहीं मिली। क्योंकि 30 दिसंबर 2022 की सुबह पीएम मोदी की मां हीराबा अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई थी। इसीलिए मां के निधन के बाद पीएम मोदी जब पहली बार गुजरात पहुंचे तो निश्चित ही उन्होंने सबसे ज्यादा उन्हें ही मिस किया होगा। गौरतलब है कि पीएम जब भी गुजरात दौरे पर जाते थे तो कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, वो अपनी मां से मिलने जरूर जाते थे। वो अपनी मां से मिलकर उनके साथ कुछ वक्त बिताते थे, भोजन करते थे और आशीर्वाद लेकर वापस अपने काम पर लौटते थे। लेकिन अब की ये सब नदारद था, क्योंकि मां नहीं थी। बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे और विधि विधान से अंतिम संस्कार करके देश सेवा पर लौट आए थे। इससे पहले उन्होंने मां के निधन पर दुख जताते हुए लिखा था, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ से मैंने हमेशा उस त्रिमूर्त की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। ऐसे में माँ के निधन के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे पीएम मोदी को माँ की अनुभूति तो जरूर हुई होगी, और स्टेडियम में लाखों लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए भीड़ में पीएम मोदी की निगाहें जरूर अपनी माँ को ढूंढ रही होंगी और एक झलक पाने को लालायित रही होंगी।